न्यूज 18 इंडिया के पत्रकार अमीश देवगन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अमीश देवगन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल अमीश देवगन ने सुप्रीम कोर्ट में एक पेटिशन फाइल की थी, जिसमें उनके खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की अपील की गई थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने FIR को रद्द करने से मना कर दिया। जस्टिस CM खानविलकर और संजीव खन्ना की बेंच ने कह दिया कि FIR को रद्द नहीं किया जा सकता। हालांकि उन्होंने FIR को क्लब करके अजमेर ट्रांसफर कर दिया है। अमीश देवगन के खिलाफ राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना में अलग अलग जगहों पर कुल 7 FIR दर्ज की गई थी। उन पर आरोप है कि उन्होंने अजमेर की सूफी संत मोनुद्दीन चिश्ती पर बेहुदी टिप्पणी की थी। आरोप है कि 15 जून को अमीश देवगन ने अपने शो आरपार में मोइनुद्दीन चिश्ती पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने कथित तौर पर मोइनुद्दीन चिश्ती को आक्रमणकर्ता और लुटेरा तक कह दिया था। इसी के आधार पर अलग अलग पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। विवाद बढ़ने के बाद अमीश देवगन ने एक ट्वीट कर इस पर माफी भी मांगी थी, लेकिन उनके खिलाफ दर्ज FIR को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करने से मना कर दिया। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में अमीश देवगन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।